वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी वर स्टडीइंग द चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9 ज्योग्राफी पार्ट। हम पढ़ रहे थे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। 2 डिविजन्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें हिमालय माउंटेन एंड नॉर्थन प्लेन। टुडे वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट, पेनिनसुलर प्लेटू। एट फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेनिनसुलर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेटू। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पेनिनसुलर क्या है और प्लेटू क्या है, किसे कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू ए लैंड मास, ए पीस ऑफ द लैंड मास कवर्ड बाई द 3 साइड्स ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर। मैं ड्राइंग कराने गया था सदर्न पार्ट, और सदर्न पार्ट ये इंडिया के जो सदर्न पार्ट्स है, द वेस्टर्न साइड इज द अरेबियन सी एंड द ईस्टर्न पार्ट इज सिचुएटेड द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एंड सदर्न पार्ट द इंडियन ओशियन। जैसे हम इंडिया का सदर्न पार्ट देखते हैं, तो इंडिया के जो सदर्न पार्ट में जो ईस्टर्न जो पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में जो पानी जो कवर्ड है बे ऑफ बंगाल से, और जो वेस्टर्न पार्ट में जो कवर्ड पानी का जो लैंड से अरेबियन सी में, और सदर्न पार्ट में इंडियन ओशियन से। तो ये क्या होगा, ये एक पेनिनसुलर है, इंडिया इज ए पेनिनसुलर। तो भारत के जो ये लैंड है, जो मैन लैंड है, इस मैन लैंड के 3 साइड्स कवर द वाटर, इसे बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन, तो इट इज द कार्ड ऑफ द पेनिनसुलर। क्लियर। नाउ द मीनिंग ऑफ द प्लेटू। व्हाट इज द प्लेटू? प्लेटू, इमेजिन, ड्रॉ, इट इज द ये प्लेटूज जो स्लॉप है, भी कम है लेकिन ऊपर से इसकी टेबल नुमा है, इसकी जो बाउंड्रीज है, इस प्रकार से ये जो प्लेटूज है हमारा, ये प्लेटूज है, ये वैलीज है, वैलीज। प्लेटू की जो एक इमेज होती है वे टेबल नुमा होता है, मेज जैसी आकृति होती है, इसका जो स्लॉप होता है कम होता है, और जो ये इसका है इसको हम कहते हैं प्लेटू। प्लेटू वैलीज, इसकी जो वैलीज है ये सैलो वैलीज मिलती है। कैसे मिलती है? सैलो वैलीज, सैलो वैलीज, सैलो वैलीज माने कम गहरी, डू नॉट द डीप, अधिक गहरी नहीं, कम गहरी। इसलिए कम गहरी है तो निश्चित रूप से ये फर्टाइल होगा, और निश्चित रूप से इसके अंदर जो सॉइल सेल्स का डिपोजिशन होगा। तो ये प्लेटू है। यू क्लियर द मीनिंग ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। नाउ वी डिस्कस द सम फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। राउंड हिल्स, पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसके अंदर जो हिल्स पाई जाते हैं वे राउंड्स होती है, इस तरह से राउंड्स, राउंड शेप होती है, राउंड टाइप के हिल्स। एंड जो इसे बना किससे, फॉर्मेशन के अंदर ओल्ड क्रस्टाइल्स, इगेरियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो हमारा पेनिनसुलर जो प्लेटू का जो फॉर्मेशन हुआ है, जिसका जो फॉर्मेशन हुआ है ओल्ड क्रस्टाइल पुराने क्रिस्टल से, इगेरियस, इग्नियस मींस अगेंस्ट, अगेन, मेटामॉर्फिक हिंदी में कहते हैं इसको रूपांतरित, इन रॉक्स से ये बना है। एंड ब्रेकिंग बिफोर द गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड इट इज द नोन यूनिवर्स, यू हैव लर्न द प्रीवियस चैप्टर। गोंडवाना लैंड को नया समझेंगे, आप पढ़ चुके पहले कि फिजिकल फीचर्स का स्टार्ट किया था, उसका बेसिक बैकग्राउंड बताया था कि सबसे पहले एक लैंड था
जिसको हम पेंजा बोलते थे, और पेंजा के टू डिवाइड हुए, नॉर्थ पार्ट को हम उसको अंगारा लैंड और सदर्न पार्ट को उसको गोंडवाना लैंड बताया गया था। तो जो पेंजा, इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजा दैट इज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड। कह रहा है कि गोंडवाना ब्रेकिंग गोंडवाना लैंड पेनिनसुलर जो प्लेटू का जो फॉर्मेशन हुआ है वे गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ग्रिपिंग के कारण उसके टूटने से बना है ये हमारा पेनिनसुला। बेसिकली इसको पेनिनसुलर प्लेटी को इजीली तरीके से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट्स, वन इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड इज द दक्कन प्लेटू। फर्स्ट है इसका सेंट्रल हाईलैंड और सेकंड है दक्कन प्लेटू। एट फर्स्ट हम देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेटू की। फॉर एग्जांपल कि नर्मदा रिवर, ये हमारे मन से नर्मदा रिवर स्ट्राइन कर रही है, नर्मदा रिवर्स की जो नॉर्थ साइड में वे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और सदर्न पार्ट में ये जो हमारा प्लेटू है इसको हम बोलेंगे दक्कन प्लेटू। ये जो हमारा दक्कन में आपका दक्कन प्लेटू है। ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी लोकेशन है, इसकी पेनिनसुलर प्लेटू। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन, अब हम इसको वन बाय वन करके लेते हैं कि सबसे पहले हम इसको लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के सबसे फर्स्ट उसकी लोकेशन, उसकी फीचर्स देखते हैं कि नर्मदा रिवर्स के ये नॉर्थ में लोकेटेड है, नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। वेस्टर्न पार्ट इज हाई, इसका जो ये वेस्टर्न पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा नर्मदा रिवर्स ये प्लेटू है। वैसे प्लेटू का जो मोस्टली जो उसकी शेप है वे ट्रेंगल जैसा है, ये मान लीजिए ट्रेंगल साइड है। इस सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है ये हाईलैंड मीन्स होता है वाइड, मतलब अधिक चौड़ा है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वे स्लोप डाउन नैरो लो एरिया। सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्टर्न पार्ट इज द हाई दैट इज कॉल्ड द वाइड, बट द ईस्टर्न पार्ट इज द स्लोप डाउन, द अदर वे वी कैन से द नैरो। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वे हाई है और ईस्टर्न पार्ट है इसका लो है, स्लोप है। इसकी जो इमेजिंग बनी है किस प्रकार से हाई से इस प्रकार से ये लॉ है, देखिए स्लोप ऊपर से नीचे क्यों डाउन होता रहा है, इसकी हाइट ऊंची है इसकी हाइट कम है, तो इस प्रकार से ये हाई है और ये लो है। सो द रिवर्स आर फ्लोइंग वेस्टर्न टू ईस्टर्न पार्ट, इसलिए जो हमारे रिवर्स हैं ऐसे वेस्टर्न से ईस्टर्न की ओर ये रिवर्स फ्लाइंग करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिवर्स दैट इज द फ्लाइंग द सेंट्रल हाईलैंड, इट इज द चंबल
चंबल, सिंध, बेतवा, केन। जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स वेस्टर्न टू ईस्टर्न पार्ट की ओर फ्लाइंग करती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वे हाई लैंड से लो लैंड की ओर जाता है, लो लैंड से हाई लैंड की ओर नहीं जाता। अगर ये पानी है इसमें इस पर से, तो पानी ऐसे आ रहा है, वाटर फ्लाइंग नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। तो ये इसका है वेस्टर्न पार्ट। विंध्याचल रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड। जो विंध्याचल जो रेंज है वे बाउंडेड करता है किसको? सेंट्रल हाईलैंड को, नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो हमारा ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, इसका जो ये नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अरावली हिल्स हैं। कौन सी हैं? यहां पर हमारी अरावली हिल्स, अरावली हिल्स सिचुएटेड है राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली तक ये अरावली हिल्स फैली हुई है। ये इसके लोकेशन है, अरावली हिल्स है। ईस्टर्न साइड, अगर हम इसका ईस्टर्न साइड देखते हैं, ये वाला साइड देखते हैं, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न साइड देखते हैं किसका? सेंट्रल आइलैंड का। तो जो ईस्टर्न साइड है वहां पर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है यहां पर सिचुएटेड। द ईस्टर्न साइड ऑफ द सेंट्रल पार्ट इज सिचुएटेड द बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एंड द ईस्टर्न साइड, दोनों बुंदेलखंड और बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के भी ईस्टर्न में, ये जो ईस्टर्न है इसके भी ईस्टर्न में ए फेमस प्लेटू इज सिचुएटेड, दैट इज कॉल्ड द छोटा नागपुर प्लेटू। अर्थात जो सेंट्रल हाईलैंड के जो ईस्ट में बुंदेलखंड और जो बुंदेलखंड आपका जो प्लेटू है, उस प्लेटू के ईस्टर्न में भी एक फेमस प्लेटू है, दैट इज कॉल्ड द छोटा नागपुर प्लेटू। जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है जो अन्य प्लेटूज को डिवाइड करता है, और इस छोटे नागपुर के प्लेटू में भी एक फेमस रिवर फ्लाइंग करती है, उसको कहते हैं दामोदर रिवर, उसको क्या कहते हैं? दामोदर रिवर्स। तो ये था हमारा सेंट्रल हाईलैंड। नाउ वी डिस्कस द दक्कन प्लेटू। अब हम करेंगे कि दक्कन प्लेटू क्या है। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर दक्कन प्लेटू। अब दूसरा पार्ट इसको देखते हैं कि दक्कन प्लेटू, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द दक्कन प्लेटू इन इंडिया। से सबसे पहले इसकी देखते हैं सेप, कि अगर हम इसकी सेप देखते हैं, इसकी सेप ट्रायंगल टाइप में है, इसकी जो सेप है ये ट्रायंगल सेगमेंट, जैसे हमारा त्रिभुज है उसकी आकृति जैसे है ट्रायंगल से। अभी आपने पढ़ा था कि ये जो नर्मदा रिवर्स है, इस नर्मदा रिवर्स के साउथ में है, ये सदर पार्ट में, सदर पार्ट में ये, इसमें सदर पार्ट में जो हमारा दक्कन प्लेटू है उसके नर्मदा रिवर के जो सदर पार्ट है, उसके सदर पार्ट में जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज इज द फेमस रेंज है ऑफ द दक्कन प्लेटू। उसमें मेन जो आपकी हिल्स है वे महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड मेकाल हिल्स। नर्मदा रिवर्स के सदर्न पार्ट में जो सतपुड़ा रेंज है, उस सतपुड़ा रेंज की द मेन फेमस हिल्स इज नॉन एज द महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड मेकाल हिल्स। वेस्टर्न पार्ट हाईलैंड, अगर हम इसका वेस्टर्न पार्ट देखते हैं, इसका वेस्टर्न पार्ट देखते हैं, इसका ये वेस्टर्न पार्ट, ये इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, सेम ट्रायंगल तो नहीं, इसको ट्रायंगल जैसा, इसको इस ट्रायंगल जैसा है ये इसकी आकृति इस बार से ट्रायंगल जैसा जैसा ये फैला हुआ है। इंडियन जो हमारा जो मैप है, इस मैप में जो ये वाला जो पार्ट है
ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स जो हमारा है ये पेनिनसुलर प्लेट के द्वारा पार्ट है, इसमें जो यहाँ पे इसमें छोटा मैं आपको बता रहा है। तो कह रहा है कि इसमें वेस्टर्न पार्ट जो हाईलैंड है इसका जो ये पार्ट है वेस्टर्न पार्ट से फीचर्स फाउंड द सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड है ये इसका जो हाईलैंड, ये हाईलैंड है, हाईलैंड्स मीन्स वाइड अधिक है, इसका जो बॉर्डर है इसका बॉर्डर अधिक चौड़ा है, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है ये ईस्टर्न पार्ट है नैरो है, नैरो है, स्लोप डाउन है, स्लोप डाउन है, इसलिए जो रिवर्स है ये जो रिवर्स है ये वेस्टर्न टू ईस्टर्न टू फ्लाइंग होती है, इसका जो ढाल है इसका जो स्लोप है इस प्रकार से, ये स्लोप है इसका, ये स्लोप होने के कारण जो रिवर्स फ्लाइंग है ये वेस्टर्न टू ईस्टर्न, ये रिवर्स इस प्रकार से फ्लाइंग करती है, इसके बॉर्डर वाइड इज नैरो है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है। अब इसका जो नॉर्थ और ईस्ट जो पार्ट देखते हैं, नॉर्थ जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर हमारा स्टेट है मेघालय स्टेट, द पार्ट मेघालय स्टेट का जो पार्ट है वे दक्कन प्लेटू का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, नॉर्थन ईस्टर्न का जो पार्ट है जहां पर कार्बाइल, यहां पर जो आपको कुछ हिल्स मिलती हैं जैसे कार्बाइल, अंगोल प्लेटूज, ये प्लेटूज मिलते हैं कार्बाइल प्लेटू और ये प्लेटू, और साथ में इस मेघालय स्टेट में ही जो कुछ हमारे हिल्स मिलते हैं, हिल्स आर फाउंड दैट इज कॉल्ड द गारो, खासी और जयंतिया, यस गारो, खासी और जयंतिया हिल्स द पार्ट ऑफ द मेघालय ऑफ द दक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब देखते हैं इसके साथ में वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट है उसमें भी इसका एनर्जी सही हो गया, वैसे जब कोस्टल्स पढ़ाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, फिर भी देखिए कि वेस्टर्न घाट ये जैसे मानते इमेजिन हमारे इंडिया के मैप यही देखिए, ये इंडिया है, ये हमारा जो ड्रॉ ये देखिए, ये इसका जो वेस्टर्न घाट है ये हमारा वाइट अधिक है, ये हमारा नैरो है, ये हमारा नैरो, देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इज सिचुएटेड द पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न घाट इज सिचुएटेड द पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, इसके पैरेलल से बना हुआ है वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है आपका ये अरबन सी वाला और ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशियंस, यू हैव लर्न द प्रीवियस चैप्टर, तो वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअसली है, ये हमारा कंटिन्यूअसली है, लेकिन ये जो पार्ट्स है ये डिसकनेक्टेड है, डिसकंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ हमारे घाट बताए जैसे भौर घाट, जैसे भौर और पाल घाट, जैसे भौर और पाल घाट, भौर और पाल घाट, भौर और पाल घाट जो ईस्टर्न पार्ट है, और वेस्टर्न पार्ट कहते हैं कि वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट की जो सबसे हाईएस्ट जो पीक है, पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं अन्ना मुराई, अन्ना मुराई की जो आपकी जो हाइट्स है 2695 किलोमीटर, ये है अन्ना मुराई, अन्ना मुराई 2695 मीटर्स, ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है अन्ना मुराई, और अन्य जो चोटी है जैसे
डोडा बेटा जिसमें है। इसी प्रकार से अगर हम ईस्टर्न घाट को देखते हैं तो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट पीक है, उसको कहते हैं महेंद्रा गिरी की जो हाईएस्ट है वे 1501 मीटर, 1501 मीटर हाइट ऑफ द माउंटेन। इट इज द इम्पोर्टेंट अंडरलाइन वेस्टर्न पार्ट इज द हाईलैंड देन द ईस्टर्न पार्ट इज द लोलैंड सो द मोस्टली रिवर्स आर फ्लोइंग इन द वेस्ट टू ईस्ट। इसका स्लोप ईस्ट से वेस्ट की तरफ लो होते हैं, ये हाईलैंड है, ये लोलैंड है, इसलिए मोस्टली रिवर्स अपना वाटर ड्रेनेज जो करती है वे बे ऑफ बंगाल में करती है, क्योंकि जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसका जो स्लोप है, जो उसका ढाल है, वे पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए नदियां इधर आपका मूव करती हैं और नदियां बहती है। एक और इसलिए मैंने बताया आपको कि मानसून, जो मानसून है, वैसे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मानसून का, जब हमारा जो मानसून जो नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो मानसून आता है तो यहाँ बॉम्बे जो है, बॉम्बे में तो रेनफॉल हो जाती है, लेकिन बॉम्बे से आगे ये जो हिली एरिया है, ये सभी हिली एरिया है, तो ये शैडो रेनफॉल होने के कारण पुणे में वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि जो विंड्स है इधर आते आते वे शैलो हो जाती है, शिशली हो जाती है, इसलिए मुंबई में वर्षा हो जाती है और इस हिल के कारण यहाँ पर वर्षा रेनफॉल जो है नहीं हो पाती। मोस्टली जो पार्ट्स जो ये है दक्कन प्लेटू और जो पेंसिल्वेनिया, ये ब्लैक सॉइल से बना है, ब्लैक सॉइल से बनाया है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल्स मिलती है। जैसे अभी आपने अंडरस्टैंड किया था कि जो गोंडवाना लैंड है, ये अंगामलैंड और गोंडवाना लैंड से बना था, तो ब्लैक सॉइल पेटीज है, इसलिए ये कॉटन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द फेमस बेल्ट ऑफ द कॉटन बेल्ट, ये कॉटन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है कि यहां पर अभी आप बना इगेनियस और मेटामॉर्फिक और ओल्ड क्रिस्टल जो आपके रॉक्स है उससे बना है, तो ये जो ब्लैक सॉइल्स है वे उसके लिए कॉटन के लिए फेमस है। तो ये था हमारा आज टुडे द पेनिनसुलर प्लेटू, कि हमारा जो प्रायद्वीप पठार है, टुडे वी डिस्कस द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू डिवाइड द टू पार्ट्स, सेंट्रल प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन हाईलैंड, ये हमने आपने पढ़ा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आज लाइक करिए, शेयर करिए, एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार चैनल के बेल आइकन पर प्रेस करिए। थैंक यू।